प्लैनेट बॉलीवुड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं विद द लेजेंडरी बिमल रॉय। वेटरन एक्टर तनुजा ने बिमल रॉय की मधुमति बुक को अनवेल किया एक खास इवेंट के मौके पर। इस मौके पर तनुजा ने इस बुक के कुछ पहलुओं के बारे में बताया और साथ ही बिमल रॉय के साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। रिंकी भट्टाचार्य द डॉटर ऑफ द लेजेंडरी फिल्म मेकर वॉज देयर एज वेल एज एन अथॉरिटेरियन। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा एक साथ नजर आए मुंबई के लाउंज में। जूम ने दोनों को सिबलिंग्स के साथ बाहर आते हुए कैप्चर किया। विराट एंड अनुष्का एंड देयर सिबलिंग्स सैट इन अनुष्का'स कार एंड ऑल ऑफ देम हेडेड टू विराट्स होम इन बांद्रा पालीनाका। हैप्पी न्यू ईयर की कास्ट ने सेलिब्रेट किया 100 करोड़ कलेक्शन और फिल्म की कास्ट पहुंची एक इवेंट पर जहां उन्होंने गेम लॉन्च किया और अपनी सक्सेस मीडिया से शेयर की। हैप्पी न्यू ईयर की कास्ट ने फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर मिल रहे जबरदस्त कलेक्शंस के ऊपर अपनी खुशी जाहिर की। संजय लीला भंसाले अपनी हर फिल्म के बीच में काफी गैप रखते हैं। दिस गिव्स हिम मोर टाइम टू प्रिपेयर एंड कंसेप्चुअलाइज ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ हिज नेक्स्ट फिल्म। लेकिन बाजीराव मस्तानी के साथ ऐसा नहीं हुआ। फिल्म मेकर ने रामलीला की सक्सेस के बाद अपना पेट प्रोजेक्ट बाजीराव मस्तानी बहुत जल्द शुरू कर दिया। लेकिन संजय लीला भंसाले की दुविधा यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि उनकी स्टार कास्ट इज द सेम एज रामलीला एंड इट वाज अ चैलेंज फॉर भंसाले टू कम अप विद अ ड्रास्टिकली न्यू लुक फॉर ऑल द थ्री। पिछले 6 महीनों से काजोल और करण जौहर की बढ़ती तकरारों की खबर सामने आ रही थी एंड दिस वाज आफ्टर दे हैड अ फॉलआउट। कई बार ऐसा हुआ कि करण जौहर और काजोल एक ही इवेंट पर नजर आए लेकिन दोनों ने ना एक दूसरे से बात की ना ग्रीट किया ना ही दे स्टूड टुगेदर फॉर फोटो ऑप्स। लेकिन अब ऐसी खबर आई है कि शायद दोनों में सब ठीक हो गया है एंड दे आर बैक टू बीइंग फ्रेंड्स अगेन। और ऐसा हुआ रिसेंटली एक इवेंट के मौके पर, जहां एक तरफ रंजना में धनुष ने अपने मजेदार गंगा किनारे वाले डायलॉग्स बोलकर सबका मन मोह लिया था, वहीं दूसरी तरफ धनुष अपनी नेक्स्ट हिंदी फिल्म शमिताब में कुछ भी बोलते नजर नहीं आएंगे। जी हां, सही सुना आपने, शमिताब के सर से आई एक खबर से हमें ये पता चला है कि धनुष एक गूंगे इंसान का रोल अदा करेंगे। पूरी फिल्म में धनुष का ऐसा ही अंदाज नजर आने वाला है। माना जा रहा है कि धनुष ने अपने इस रोल के लिए काफी तैयारी की है और ट्रेनिंग ली है किरदार में ढलने के लिए। रेमो ने वैसे तो वरुण धवन को ABCD2 के लिए साइन तो कर ही लिया था, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उन्हें लगा कि उन्होंने जल्दबाजी कर दी है, थोड़ा और वेट करते तो शायद किसी और को साइन कर लेते। खबरों की माने तो उन्होंने कोशिश जरूर की थी कि किसी तरह वो टाइगर श्रॉफ को अपनी फिल्म में इनकॉर्पोरेट कर ले, लेकिन द स्टोरी डिड नॉट अलाउ हिम टू डू दैट। वेल, रेमो ने वैसे तो अपनी फिल्म शुरू कर ली है, लेकिन ये तो तय है कि वो टाइगर को अपनी अगली फिल्म में लेने की कोशिश जरूर करेंगे। बिग बी के फेमस गेम शो KBC पर पहुंची एक्शन जैक्सन की टीम। प्रभु देवा ने बिग बी को अपने ही अंदाज में डांस करवाया और अजय देवगन ने कहा कि उन्हें फिल्म की मार्केटिंग करनी नहीं आती है। He also said that every actor works hard for his film and even he does and this time he has tried to do something different. सोनाक्षी और शाहिद ने साथ किया डांस और जब ये बात सोनाक्षी से पूछी गई तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और प्रभु देवा को इसका जवाब देने के लिए कहा। द डायरेक्टर सेड दैट इट वाज ऑल फॉर फन एंड शाहिद हैड कम ओनली फॉर 2 आवर्स टू डांस। फिल्म PK का टीजर जब से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तब से इस फिल्म को लेकर बज और भी स्ट्रॉन्ग हो गई है। आमिर खान एक एलियन के रूप में नजर आएंगे इस फिल्म में और खबरों की माने तो इस फिल्म में आमिर खान द्वारा पहने गए सारे कपड़े बोरोड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दीज क्लोथ्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द आम जनता।